हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एसके वर्मा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 3 जनवरी 2020 को आयोजित हुए व्याख्याता भर्ती परीक्षा के बारे में। और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो कि हिंदी का पेपर हुआ था, सेकंड पेपर जो सब्जेक्ट का हुआ, उसके मनोविज्ञान साइकोलॉजी के 30 प्रश्नों के बारे में। इस वीडियो में हम इन 30 प्रश्नों के स्टिक आंसर लेके आए हैं। स्टूडेंट, हमने पहले भी बताया था कि आरजे क्लासेस ने कोटा चौक श्रीगंगानगर जो है गारंटीड बैच चलाए थे फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा के, व्याख्याता परीक्षा के। और हमने जो मनोविज्ञान के प्रश्न दिए हैं उनमें से काफ़ी प्रश्न आए हैं। चलिए 30 प्रश्नों को जान लेते हैं जो हिंदी पेपर के 30 प्रश्न हैं। तो चलिए इन हिंदी पेपर के अंदर जो मनोविज्ञान के 30 प्रश्न हैं उनके स्टिक आंसर की जानते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। देखिए, पहला प्रश्न दिया हुआ है सुमेलित कीजिए। एक तरफ अधिगम का दिया हुआ है, उद्दीपक, अनुक्रिया, संबंधों की संरचना, दूसरा संकेत अधिगम, तीसरा क्षेत्र सिद्धांत, चौथा अंतर्दृष्टि सिद्धांत दिया हुआ है। इधर जो दिया हुआ है धारणा, प्रतिपादक, समर्थक दिया हुआ है कोहलर, कोट लेविन, थार्नडाइक, टॉलमैन, ये दिया हुआ है। तो आपको टिक करना है कौन सा आंसर सही होगा। तो ये ऑप्शन थे, तो ए का तीन के साथ अगर करेंगे तो देखिए ए का तीन के साथ उद्दीपक अनुक्रिया जो है वो किससे संबंधित होगी, थार्नडाइक से संबंधित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कौन राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है, मार्गदर्शक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ हमें ऑप्शन दिए हुए थे, ऑप्शन नंबर जो 4 था वो सही होगा। स्कूली शिक्षा में नव उदारवाद की अवधारणा को विकसित करना, स्कूली शिक्षा में नव उदारवाद की अवधारणा को विकसित करना, ये जो है ये इसने कहा था कि कौन सा हिस्सा नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हिस्सा नहीं है। अलग अलग ऑप्शन थे, अलग अलग जो पेपर हुए उनके अकॉर्डिंग, पर ये हिंदी सब्जेक्ट का पेपर है तो उसकी साइको है तो उसके अंदर कन्फर्म ये प्रश्न होगा और यही इसका आंसर है। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु की व्याख्या के लिए उपयुक्त पद है, उपयुक्त पद है। तो यहाँ हमें अलग अलग ऑप्शन दिए हुए थे तो उत्तर आएगा निश्चयात्मकता, निश्चयात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, साक्षात मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जो ये थोड़ा देख लीजिएगा पर लाई गई, यानी हमें दिया हुआ है, देखिए प्रश्न द्वार से ये यहाँ से है, साक्षात मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा ये थोड़ा देख लीजिएगा पर लाई गई क्या चीज़ है। ये एक वन स्टॉप पोर्टल है। ये एक पोर्टल यानी जिस तरह से आप वन स्टेप पोर्टल बोलते हैं, जिसे आप ये समझ सकते हो कि जैसे एक वेबसाइट है उसको पोर्टल बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सीखने के लिए सीखना जो सीखा है उसे छोड़ने और दोबारा सीखने की तत्परता नई परिस्थितियों के प्रति लचीले व रचनात्मक तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए महत्वपूर्ण प्रक्रिया पर जोर डालने की आवश्यकता है, यह महत्वपूर्ण उद्देश्य था। तो यह महत्वपूर्ण उद्देश्य था राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, चलिए भी क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आभासी अनुभव किसके माध्यम से बेहतर किया जा सकता है तो प्रतिमान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सूचना व संप्रेषण तकनीकी द्वारा शिक्षा एक राष्ट्रीय अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य नहीं है, तो फर्स्ट ई विषय वस्तु का उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा कथन असत्य नहीं है, तो असत्य नहीं है इसमें दोनों सामाजिक सांस्कृतिक अनुभवों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए, ये आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सीखना ज्ञान के निर्माण की एक प्रक्रिया है, यह कथन किस परिप्रेक्ष्य का है, तो यह है व्यवहारात्मक परिप्रेक्ष्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अधिगम के विभिन्न सिद्धांत व्याख्या करते हैं।
तो ये आंसर आएगा अधिगम के उत्पन्न व व्यक्त होने की प्रक्रिया का। चलिए क्वेश्चन नंबर ये आपका हो चुका है 10 नंबर 11 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ग्यारह देखिए, ज्ञान तभी उपयोगी है जब वह स्वयं के निरीक्षण के द्वारा प्राप्त किया गया हो। सिद्धांत है, तो यह सिद्धांत है ह्यूरिस्टिक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन प्रभुत्ववादी अनुदेशात्मक आव्यूह का प्रकार नहीं है? तो इसका जो आंसर होगा अनुवर्ग शिक्षण। सही मिलान कीजिए, देखिए संज्ञानवादी अवधारणा, अभिग्रही अधिगम, स्वनियमित अधिगम। ये देखिए दोबारा से बताता हूँ, संज्ञानवादी अवधारणा इधर दी हुई है, नंबर एक दिया अभिग्रही अधिगम, सतही व गहन उपागम, स्वनियमित अधिगम, विकासवादी सिद्धांत पर आधारित अधिगम। तो प्रवर्तक दिए हमें ये ए बेरी जिमरमैन, पियाजे, ओसबेल, फेरेंजे मैटन। तो इसका जो आंसर दिया हुआ है देखिए फोर जो है वो आएगा, तो फोर किसके साथ मैच इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर दिया हुआ है फर्स्ट का, तो से ये मैच करना है फर्स्ट का से के साथ। देखिए इस तरह से आंसर है फर्स्ट का से के साथ मैच करना है, सेकंड का दे के साथ मैच करना है, सेकंड का दे के साथ, थर्ड का आपने मैच करना है ए के साथ, थर्ड का ए के साथ मैच करना है, और फोर्थ का बे के साथ मैच करना है। तो ये आप देख लीजिएगा, इसमें सारा मैच करके दिखाया हुआ है, ये लीजिए, ये आप यहाँ देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा एक संप्रेषण का प्रकार नहीं है? तो स्वसंप्रेषण। नेक्स्ट सार्थक शाब्दिक अधिगम व धारण किस प्रतिमान का मुख्य उद्देश्य है? तो उन्नत अग्रिम संगठक प्रतिमान। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 16 राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूलों में किस प्रकार की पाठ्यचर्या अपनानी चाहिए? तो उदार पाठ्यचर्या जो सभी विद्यार्थियों के लिए सुलभ हो। नेक्स्ट अरस्तु के अनुसार अनुकरण सिद्धांत में संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो है ये आंसर होगा अनुकरण के संबंध में प्लेटो और अरस्तु के मत में कोई अंतर नहीं है, ये कथन सही नहीं है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, क्षेत्र सिद्धांत के अंतर्गत संज्ञानात्मक संरचना पर्यायवाची है? तो संज्ञानात्मक संरचना पर्यायवाची है पर्यावरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, किसे अहंकारग्रस्त छात्र की विशेषता के रूप में नहीं माना जा सकता? तो ये आंसर आएगा इसका, लक्ष्य की प्राप्ति हेतु छात्र अपेक्षित तल्लीनता प्रदर्शित करता है, और बी छात्र किसी पुरस्कार की इच्छा द्वारा अनुप्रेरित होता है। तो यहाँ पर ये जो बी ऑप्शन दिया हुआ है विशेषता जो है वो आंसर सही होगा, ये लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, एक छात्र हिंदी कविता की आलोचनात्मक व्याख्या प्रस्तुत कर लेता है उसका यह अधिगम व्यवहार किस अनुक्षेत्र में रखा जा सकता है? तो ये आएगा उत्तर इसका संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र। नेक्स्ट 21 नंबर, ठोस वस्तुओं पर आधारित मानसिक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप समस्या समाधान पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को कौन सी अवस्था को प्रदर्शित करता है? तो इसका जो आंसर आएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था सी। नेक्स्ट है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के लिए भारतीय माध्यम है, तो ब्लैकबोर्ड, स्वयं, इसका आंसर जो आएगा मूडल, ये आंसर आएगा। ये आपकी 21-22 प्रश्न हो चुके हैं, 23वें प्रश्न पर चलते हैं। चलिए 23वां प्रश्न देख लेते हैं,
ये लो जी 23वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर है स्पर्श से भेद करना, सॉरी स्पर्श से भेद करना नहीं, इसका आंसर है जानबूझकर मुस्कुराना, जानबूझकर मुस्कुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन मुद्रित सामग्री का एक प्रकार नहीं है? तो ये है भी अनुशिक्षीय, अनुशिक्षीय डी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट संज्ञान का अर्थ है, तो संज्ञान का अर्थ है भाषा के माध्यम से स्वयं व दुनिया को समझना, भाषा के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना। नेक्स्ट कक्षा शिक्षण के संदर्भ में अधिगम एवं अभिप्रेरणा उत्पन्न करने के लिए करने किस प्रकार की जानकारी अपेक्षित नहीं है? तो यह जानकारी है विद्यालय में सेवा के लिए स्वीकृत नियम। नेक्स्ट 27, निम्न में से कौन प्रणाली के पहलू का तत्व नहीं है? तो अध्ययन, बी ऑप्शन अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से किसे एक प्रणाली के रूप में नहीं देखा जा सकता। तो ये एक प्रश्न का आंसर आप थोड़ा सा कन्फर्म कर लीजिएगा, निम्न में से किसे एक प्रणाली के रूप में नहीं देखा जा सकता, ये कमेंट करके हम आपको बता देंगे इसका आंसर क्या है। 29 नंबर देखिए, निम्न में से कौन संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है? तो गंतव्य और अस्मिता के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय है किशोरावस्था। तो डियर स्टूडेंट, ये 30 प्रश्न हमने साइको के लेके आए थे जो कि आयोजित हुआ था 3 जनवरी 2020 को, बैठता भर्ती परीक्षा का पेपर था ये, और जो कि हिंदी पेपर हुआ है पार्ट नंबर 2 का, उसकी साइको हम करवा रहे थे 30% हिंदी सब्जेक्ट की, जो अंदर हिंदी सब्जेक्ट के पेपर के अंदर जो साइको आए थे 30%, उन सभी का हमने आंसर देखा और कोशिश की थी सभी आंसरों को सही बताने के लिए। फिर भी कोई डाउट्स रह गया तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये थी मनोविज्ञान की हिंदी पेपर 2 की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं, साथ ही लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन अवश्य दबा दीजिए। बेल आइकन दबाने से आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहेगी। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।